सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान, और संविधान के अंतर्गत अपन कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ उसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सबसे पहले उनकी परिभाषा के रूप में उनको देखा था कि ये ऐसे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसके पश्चात ये देखा था कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ से उद्धृत किए गए हैं, यानी कहाँ से लिए गए हैं या प्रेरित हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो समावेश है वो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। और इसके पश्चात हमने देखा था कि इनका मूल उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य मैंने बताया था। इसके साथ साथ इनकी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, एलजी खेडेकर हैं, इनकी परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया था। फिर हमने देखा था कि नीति निर्देशक तत्व कैसे, प्रकृति इनकी कैसी होती है, सकारात्मक होती है, क्यों होती है सकारात्मक, यदि इनको लागू किया जाए तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये करते हैं, इस कारण इनको सकारात्मक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी तत्व भी होते हैं, और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। अर्थात मौलिक अधिकारों में हमने देखा था कि मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व स्वतः लागू न होकर के कैसे होते हैं, इनको कानून के द्वारा मान्यता प्रदान करके बाद में लागू किया जाता है। अब अपन आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार इन नीति निर्देशक तत्वों को चार भागों में बांटा गया था। पहला मैंने बताया था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मैंने बताया था आपको सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा मैंने बताया था पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और चौथा इसमें बताया था मैंने कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। तो हम आज अपना अध्ययन है वो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत अपन इन चारों, जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो चार प्रकार के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, चार प्रकार से अध्ययन करके अपन पढ़ते हैं, उनका अपन आज संपूर्ण रूप से उल्लेख करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 36 के बारे में और अनुच्छेद 37 के बारे में थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूँ। तो अनुच्छेद 36 है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब आपको ध्यान हो तो मैंने संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद आता था पढ़ा था हमने अनुच्छेद 12 है, और अनुच्छेद 12 भी 12 के अंतर्गत भी मैंने यही कहा था कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो दी गई है, बताया था, शायद सभी को याद होगा, नहीं है तो दोबारा से रिपीट कर लेना। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत भी मैंने राज्य की परिभाषा बताई थी, और अनुच्छेद 36 के अंतर्गत भी राज्य की परिभाषा बताई थी। अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत दो जगह है पर, दो अनुच्छेद ऐसे हैं जहां पर राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से, अनुच्छेद 12 है मौलिक अधिकारों से संबंधित आता है, और अनुच्छेद 36 जो किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब इस राज्य की परिभाषा की परिभाषा को प्रमुखता देने से संबंधित न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंतर्गत कई बार विवाद या कई बार मामले जा चुके हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो दी गई परिभाषा है वो क्या होगी, प्रमुखता उसको दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 12 यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं, इनको किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रमुखता सुप्रीम कोर्ट ने किसको दी, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो दी गई परिभाषा है राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी है। यानी कई बार कई लोगों के द्वारा ऐसे विवाद या मामले कोर्ट में पहुँचाए गए, ऐसी याचिकाएँ लगाई गई कि राज्य की जो परिभाषा दो जगह दी गई है, एक तरफ मौलिक अधिकारों में, एक तरफ नीति निर्देशक तत्वों में, तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुखता किसको दी जाए। तब ऐसी स्थिति में न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उसने कहा कि जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो दी गई जो परिभाषा है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, उसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जानी चाहिए। और इसका कारण उन्होंने क्या बताया,
कि इसका कारण यह बताया कि मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः लागू होते हैं, इनको किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। अतः नीति निर्देशक तत्वों की जो परिभाषा राज्य की परिभाषा दी गई अनुच्छेद 36 में, उसको प्रमुखता कम दी, जबकि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत इसको प्रमुखता ज़्यादा दी गई है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 37 का। तो अनुच्छेद 37 है, इसमें क्या कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। अर्थात वाद योग्य नहीं है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में अपन न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो वाद योग्य हैं। क्यों है? क्योंकि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार तो क्या है? वाद योग्य हैं। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जब अपन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका संपूर्ण रूप से उल्लेख करेंगे। अब अपन चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है वो है जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को चार भागों में बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहला मैंने बताया था वो है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अपन कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनका क्रमवाइज अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 38 सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 38 आता है। और इस अनुच्छेद 38 के तहत क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, ध्यान रखना कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, यानी उसमें बढ़ावा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, वृद्धि करने हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ध्यान रखना राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा या उसका प्रयास करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। व्यवस्था करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि राज्य है वो लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए या उसकी अभिवृद्धि हेतु एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक भारतीय नागरिक है, उसको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। आपको विदित है कि हमने सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है इस तीनों का हमने अध्ययन किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पर अध्ययन किया था? प्रस्तावना के अंतर्गत अध्ययन किया था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जहाँ पर हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये 1917 की रूस की क्रांति, 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति है, उस रूस की क्रांति से उद्धृत है, अर्थात उसे प्रेरित होकर के ली गई है। ये तीनों जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये तीनों कहाँ से ली गई है? 1917 की रूस की क्रांति से ली गई है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत हम यहाँ पर मुख्यतः सात प्रमुख इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात सात प्रमुख इसके भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्त्री एवं पुरुष को समान जीविका के साधन उपलब्ध करवाना। ये तो अनुच्छेद कौन सा है? 38। और ये अब पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो पहली बात यह कही गई है अनुच्छेद 39 में कि राज्य स्त्री एवं पुरुष को समान जीविका
स्त्री एवं पुरुष को समान जीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा या प्रदान करेगा। यानी सबसे पहली बात क्या कही गई है कि अनुच्छेद 39 है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य है वह स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपने जीविका उपार्जन कर सकें, इसके लिए वो क्या करेगा, साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, दूसरा इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य देश के भौतिक संसाधनों या भौतिक साधनों के स्वामित्व एवं वितरण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सभी का सार्वजनिक हित हो। यानी राज्य है, राज्य भौतिक संसाधन है इनकी ऐसी व्यवस्था करेगा या इनके स्वामित्व एवं वितरण भौतिक संसाधनों के स्वामित्व व वितरण की ऐसी व्यवस्था करेगा करेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक हित संभव हो। यानी अनुच्छेद 39(2) है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य जो हमारे बौद्धिक संसाधन है, इन बौद्धिक संसाधनों का स्वामित्व है और वितरण की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सभी नागरिकों का सार्वजनिक हित उसमें निहित हो। तीसरी बात क्या कही गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके अंतर्गत संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। यानी तीसरी बात क्या कह रहा है राज्य कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसे संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो, केंद्रीकरण न हो। अर्थात राज्य के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो संपत्ति से संबंधित और जो उत्पादन से संबंधित जो जितने भी साधन हैं उनका किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकरण न हो, अर्थात एक व्यक्ति के हाथों में ही वो सीमित न रहे, सभी को समान रूप से प्राप्त हो, सभी को समान रूप से उनका अधिकार हो। अगली विशेषता अपन इसके अंतर्गत देखते हैं, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत चौथा अपन देखते हैं कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। कौन से में? अनुच्छेद 39 है। इस अनुच्छेद 39 के तहत हमने तीन विशेषताएं इसकी पढ़ ली, तीन बातें हमने पढ़ ली। चौथी यह है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए, यानी स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए, प्रदान करना। अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसमें कहा गया है कि स्त्री और पुरुष हैं, ये दोनों क्या हैं, यदि ये दोनों कोई एक समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान कार्य के लिए क्या होना चाहिए, समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। अर्थात मान लो ए स्त्री है और बी पुरुष है, ये किसी विद्यालय में क्या है, शिक्षक शिक्षिका हैं, ये शिक्षक दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं और ये दोनों हैं राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। जब ये एक ही विद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, और समान इनको जैसे सुबह से लेकर शाम तक जब भी इनका जो टाइम होता है उस टाइम में ये पढ़ा रहे हैं,
तो इस स्थिति में देखा जाए तो जो शिक्षक है वो क्या है, पुरुष है, जबकि शिक्षिका क्या है, स्त्री है। तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, समान वेतन। यदि इस पुरुष को 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी कितने मिलने चाहिए, इस स्त्री को भी 15,000 रुपये मिलने चाहिए। अर्थात राज्य का ये दायित्व है कि वो एक ऐसी व्यवस्था करे जिसे समान कार्य के लिए समान वेतन सभी को प्रदान किया जाए। तो ये हो गया स्त्री पुरुष दोनों को क्या होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। अब अगली इसकी प्रमुख जो पांचवी विशेषता इसके अंतर्गत अपन देखते हैं, तो श्रमिक और बालकों को ऐसा व्यवहार ऐसा रोजगार न करना पड़े जिससे उनके स्वास्थ्य, शक्ति एवं आयु के अनुकूल हो। यानी श्रमिकों, किस किस को, श्रमिकों एवं बच्चों को, एवं बच्चों को ऐसा रोजगार न करना पड़े जिससे उनके स्वास्थ्य, आयु एवं शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अर्थात अपन कह सकते हैं कि श्रमिक वर्ग और जो बच्चा है, बच्चे हैं, इन दोनों को ऐसा रोजगार प्राप्त हो या ऐसा रोजगार नहीं करना पड़े जिससे इनको आयु पर है इनके इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े या इनकी शक्ति है वो छिन्न होती चली जाए। तो इसका भी ध्यान रखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(5) में। छठा है कि राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर व सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, तथा इसमें मुख्य बात कही गई है कि बच्चों और युवकों को या युवकों की शोषण से तथा नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। यानी किस किस की, बच्चों की और युवकों की। छठी विशेषता क्या है, बच्चों व युवकों की शोषण तथा नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा, परित्याग से रक्षा की जाए, जाने का प्रयास किया जाए। यानी बच्चे हैं उनके लिए और युवकों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि उनको शोषण नहीं हो उनका, और उनका नैतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के विकास हो सके इसके लिए राज्य क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, उनका परित्याग नहीं करेगा। यानी उनका परित्याग करने से रक्षा करेगा, अर्थात उनकी अवहेलना न करे कोई, इसकी वो रक्षा करेगा, कौन, राज्य। अब आता है इसके अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सातवां है, वो है राज्य कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता प्रदान करेगा। तो अगला है सातवां अनुच्छेद 39 के अंतर्गत अपन देखें तो राज्य के द्वारा क्या कहा गया है कि राज्य जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। तो इसके अंतर्गत सातवां क्या कहा गया है, राज्य कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 39(7) है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के क्या करेगा, कानूनी या विधिक सहायता प्रदान करेगा। अर्थात उनको किसी भी सरकारी या कानूनी विवाद है उसके अंतर्गत सरकारी वकील है वो कैसे प्राप्त होगा, निःशुल्क रूप से उनको प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा जोड़ा गया, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। अर्थात अपन ने बहुत सी जगह संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन का अध्ययन किया है, अतः आपको ध्यान रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान। तो आपको ध्यान रखना है, एक नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के एक बहुत बड़े भाग को जोड़ा भी गया है और बहुत बड़े भाग को इसमें हटाया भी गया, अर्थात अनुच्छेद जो सॉरी 42वां संविधान संशोधन है, यह 42वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में काफ़ी बड़ा बदलाव करता है और इसी कारण से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। फिर अगला आता है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 41, कौन सा पढ़ते हैं अपन? अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 है, यह दो बातों का उल्लेख करता है, कितनी बातें? दो बातें, जिसके अंतर्गत अपन देखें तो अनुच्छेद 41 है, यह अनुच्छेद 41 सबसे पहली कहता है, क्या कहता है? सबसे पहली बात कि सभी नागरिकों को अब उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार एवं शिक्षा प्राप्त हो, और दूसरा है बेकारी, वृद्धावस्था या अपन कहें असमर्थता या अपंगता या फिर बीमारी आदि की स्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्रदान राज्य के द्वारा की जाएगी। तो पहला है कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता, अनुच्छेद 41 पहला, इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त हो, रोजगार एवं शिक्षा, रोजगार एवं शिक्षा प्रदान की जाए, पहली बात तो ये कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही अनुच्छेद 41 के तहत कि बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी या असमर्थता का मतलब अपन अपंगता से भी ले सकते हैं, या अपंगता यानी कोई अपंग हो जाता है, तो इन स्थितियों में की स्थितियों में राज्य सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 है, इसमें दो बातें बताई गई हैं कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा प्राप्त हो, और बेकारी, दूसरी व्यवस्था बताई गई है कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता या अपंगता, इन स्थितियों में क्या होगा? राज्य के द्वारा सार्वजनिक सहायता प्रदान की जाए। अब जैसे अपन बात करते हैं वृद्धावस्था की, देखो वर्तमान समय में वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू है, सभी को पता है पेंशन योजना, इसी के तहत अपन देखें गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना या अपन कहें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो इन स्थितियों, ये जो योजनाएं हैं दोनों योजनाएं, ये योजनाएं क्यों लागू की गई हैं? ये योजनाएं इस आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके अनुच्छेद 41 से संबंधित हैं। अर्थात यहाँ पर राज्य क्या कर रहा है? वृद्धावस्था में सहायता प्रदान कर रहा है, प्रयास कर रहा है,
फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना, यदि कोई गरीब परिवार है तो उसको भी ऊपर उठाने के लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो ये योजनाएं भी दोनों याद रख लेना, वृद्धावस्था पेंशन योजना या मुख्यमंत्री या गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित हैं, ये अनुच्छेद 41 से संबंधित हैं। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता, अपंगता की स्थितियों में क्या करेगा, राज्य सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा अपन अपंगता या असमर्थता की स्थिति में देखें तो उनको भी काफ़ी फायदे या सरकार के द्वारा सार्वजनिक सहायता उनकी की जाती है। तो यह हो गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41, जिसके अंतर्गत हमने दो बातों का अध्ययन कर लिया। अब अगला अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 है भारतीय संविधान का, वो क्या कहता है, वो भी दो बातों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 42 दो बातें कौन कौन सी, यह कहता है कि राज्य काम की मानवोचित व अनुकूल दशाओं का प्रबंध करेगा। क्या करेगा, राज्य काम की मानवोचित व अनुकूल दशाएं विकसित करेगा, एक मिनट, विकसित करेगा, ठीक है। और दूसरा, इस अनुच्छेद 42 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े, यानी स्त्रियां हैं उनको, स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य के द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 42 है, इसके अंतर्गत दो बातें बताई गई हैं, राज्य काम की मानोचित और अनुकूल दशाएं सभी के लिए विकसित करेगा, उनका प्रयास करेगा ऐसा, और दूसरी है स्त्रियां हैं उनको प्रसूतावस्था है उसके अंतर्गत कार्य न करना पड़े, अर्थात उनके जब भी प्रसूतावस्था होती है ऐसी अवस्था में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या अन्य जो कार्य में लगी हुई जो संलग्न औरतें हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रसूता अवस्था के अंतर्गत उनको अवकाश प्रदान किया जाता है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।